मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल रिवाइज आवर चैप्टर थर्ड, दैट इज गैम्स एंड रिक्रिएशन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर थर्ड, दैट इज गैम्स एंड रिक्रिएशन। सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मैनी टाइप्स ऑफ गैम्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमें रिक्रिएट करते हैं। इट मीन्स रिक्रिएशन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, हमारा इंटरटेन करते हैं अपने को, ठीक है। सो और ये जो गेम्स हैं ये क्या करेंगे, हमारे माइंड को और हमारी जो बॉडी है उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिक, पिकनिक, रीडिंग बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने को क्या करती हैं, आपके माइंड को रिफ्रेश करती है, वैसे ही जो गेम्स हैं वो भी आपके माइंड को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज गेम्स। कौन कौन से गेम्स हो गए अपनी, देखो यहाँ पे टू टाइप्स के गेम्स होते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। अब आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं और इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, तो जो आउटडोर गेम्स हैं वो तो क्या होते हैं, जो ग्राउंड होता है बाहर उसमें प्ले किए जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, इस टाइप के ये जो गेम्स होते हैं, कबड्डी, तो इस टाइप के जो गेम होते हैं उनके लिए आपको बहुत बड़े ग्राउंड की नीड होती है, ठीक है। तो जो गेम्स ग्राउंड में प्ले किए जाते हैं, ग्राउंड की नीड होती है, उन गेम्स को तो अपन क्या कहेंगे, आउटडोर गेम्स, ठीक है। और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आप अपने हाउसेस में, जहाँ पे आप मतलब अपने बेड पे या इवन अपने रूम में भी आप उन गेम्स को प्ले कर सकते हो। तो इस टाइप के जो गेम होते हैं लाइक चेस, लूडो, कैरम, वीडियो गेम्स, तो इस टाइप के जो भी गेम्स हैं आपके, उन गेम्स को हम क्या कहेंगे, इंडोर गेम्स। एज यू कैन सी हियर, तो देखो इंडोर गेम्स जो है वो आराम से बैठ के प्ले कर सकते हो, और जो आउटडोर गेम्स हैं उसके लिए आपको किसकी नीड होती है, ग्राउंड की नीड होती है बाहर, ठीक है। सो नाउ आप अपने स्कूल में कौन कौन से गेम प्ले करते हो, ठीक है, लाइक बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, ठीक है, तो जो भी गेम आप स्कूल में प्ले करते हो उन गेम्स को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, आपको पता ही है। नेक्स्ट वी हैव गेम्स एट हाँ, और हाउसेस पे आप कौन से गेम प्ले करते हो, लाइक एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इसमें देखो डीपली अच्छे से अपन ने डिस्कस किया है, अभी अपन सिर्फ शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे। तो मोस्टली कौन कौन से गेम, वीडियो गेम प्ले करते हो, लूडो प्ले करते हो, आप टेलीविजन देखते हो, तो जो टीवी है वो भी आपका रिक्रिएशन का वर्क करते हैं, ठीक है। एंड एज वी नो दैट जो आउटडोर गेम्स हैं वो हमें मेंटली भी स्ट्रांग बनाते हैं और फिजिकली भी स्ट्रांग बनाते हैं, बट जो इंडोर गेम्स होते हैं, ठीक है, जो आप आराम से बैठ के प्ले करते हो, तो ये जो गेम होते हैं ये आपको मेंटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। नाउ प्लेइंग टुगेदर, देखो प्लेइंग टुगेदर में अपन देखेंगे कि मतलब अपने पास में जो भी मतलब अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी क्लासमेट्स हैं, उन सबके साथ में आपको क्या करना चाहिए, प्ले करना चाहिए। हमें किसी भी तरह का कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को भी अपने को नहीं छोड़ना है, ठीक है, सबके साथ में प्ले करना है, ठीक है। जो भी आपकी क्लास में है, जो भी आपके नेबर में है, ठीक है, उसके साथ में आपको प्ले करना है। किसी के लिए भी कोई गेम स्पेशल नहीं होता, ठीक है, सभी क्या करते हैं, सभी टाइम्स के गेम्स को प्ले कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फन एंड फाइंड्स एट प्ले, ठीक है। जब भी आप प्ले करते हो तो आप फन करते हो और या फिर फाइट भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब फन तो आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी जब भी मतलब किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसा मतलब आपको नहीं करना है, सारे जो गेम्स के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्ले करना है। फिर भी अगर किसी के साथ आपकी फाइट हो जाती है या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी आपके एडल्ट हैं उनको ये सारे इश्यूज बताने हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब जो फाइट करना वो किसी भी तरह से सही नहीं है आपके गेम में, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। इसके अलावा देखो अपन गेम्स अपन ने देखा, ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि इसके अलावा रिक्रिएशन के और जो मीन्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट जो काइट फ्लाइंग, अपने स्पेशल जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे काइट फ्लाई की जाती है, ऐसे स्पेशल फेस्टिवल कौन कौन से हो गए, लाइक मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे, स्पेशली काइट फ्लाइंग की जाती है, तो उसमें भी आप अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा इंटरटेन करते हो, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट आपका होता है, ओके। नाउ
नेक्स्ट वी हैव इज सर्किस। सर्किस भी आपका एंटरटेन मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ठीक है, उसमें भी आप काफ़ी सारा इंजॉय करते हो क्योंकि वहाँ पे आप काफ़ी सारे एक्रोबेट्स देखते हो, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हो, और ये एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं, ठीक है। एंड इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया, फेयर्स। नेक्स्ट वी हैव इज फेयर्स। नाउ ओके, देखो जो फेयर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक राइड्स, गेम्स, टॉयज, फूड्स, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलती हैं, फेयर के अंदर मिलती है। एज यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप के जो मतलब गेम्स वगैरह प्ले करते हो, राइड्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड्स आप ले सकते हो, ठीक है। और ये जो मतलब ये जो फेयर्स होते हैं ये कब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्पेशल ओकेजन्स या फिर स्पेशल फेस्टिवल्स पे, लाइक दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, न्यू ईयर, ठीक है। तो इन सभी पे आपको क्या होते हैं फेस्टिवल जो है, तो इन फेस्टिवल्स पे ऑर्गेनाइज किया जाता है फेयर्स, ठीक है। जैसे कुंभ मेला है और पुष्कर मेला है, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है अपने रिलीजियस ऑकेजन्स के लिए, ओके। जो क्या इंडिया का ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, ओके। इसी टाइप से कुछ फेयर है, सूरज कुंड, क्राफ्ट मेला, ठीक है, बुक फेयर, ऑटो फेयर आर स्पेशल ऑर्गेनाइज, ये इतने स्पेशल फेयर्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पपेट शो। इनके अलावा ये जो मींस ऑफ रिक्रिएशन तो अपन ने देखा है, इनके अलावा नेक्स्ट अपना क्या हो गया, पपेट शो। पपेट शो के बारे में आपने सुना होगा, अगर सुना नहीं है तो मतलब या तो आपने देखा होगा, देखा नहीं है तो पपेट शो के बारे में सुना तो आपने श्योर होगा, ठीक है। तो जो पपेट शो है उसमें क्या किया जाता है, डॉल्स बनाई जाती है, ठीक है, किस किस की, एनिमल्स की और वुमन्स की डॉल्स बनाई जाती है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रिंग से इन जो डॉल्स होती है उनको कंट्रोल किया जाता है, इनकी बॉडी का मूवमेंट किया जाता है, इनके हेड मतलब इनके हेड को, हैंड को, लेग्स को मूव किया जाता है, ठीक है। और ये जो इन पपेट्स को जो हैंडल करता है उसको अपन क्या कहेंगे, पपेट्री, ठीक है। और जो पपेटियर होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, बोलता है, उनकी लैंग्वेज मतलब जैसे भी जो भी वो रिएक्ट करते हैं उनकी लैंग्वेज को बोलता है, ठीक है। तो वो कौन होता है, पपेटियर होता है। और उनको कंट्रोल करने वाला, उनके हैंड लेग्स वगैरह कैसे मूव करेंगे, उनको कंट्रोल करने वाला कौन हो गया, पपेट्री, ओके। नाउ ये भी आपका क्या है, एंटरटेनमेंट का मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है, ठीक है। तो आपने अपने स्पेशली विलेजेस वगैरह में ये शो देखा होगा, ओके। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज। नाउ अ चैप्टर इज कम्प्लीटेड, तो देखो इसमें इस टेस्ट में जो आप जो भी आपके मतलब पेपर बनेगा उसमें आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो उसके उसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके मतलब वर्ड मीनिंग भी इसमें आ सकते हैं, इसमें पूरा चैप्टर आएगा, और इसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज हैं उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन ने जो अपनी एक्सरसाइज है उसको अपन ने पहले ही अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इसमें देखो टिक द करेक्ट भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी अच्छे से लर्न करना है, और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, व्हाई डू वी नीड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन की नीड अपने को क्यों होती है, तो इसका आपने आंसर देखा था कि जब आप बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जब आप कंटिन्यू वर्क कर रहे होते हो तो आपका माइंड जो है वो बोर होने लगता है, उस वर्क से वो क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, तो उस टाइम पे आपका जो माइंड है उसको रिलैक्स होने की नीड होती है, ठीक है। तो माइंड को रिलैक्स होने के लिए ही आपको किसकी नीड होती है, रिक्रिएशन, कुछ देर आप प्ले करके कुछ देर आपका माइंड जो है वो फ्रेश होने के बाद में आप अच्छे से और अच्छे से उस वर्क को कर पाते हो, इसीलिए जो रिक्रिएशन की नीड होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउ डू प्लेइंग टुगेदर हेल्प चिल्ड्रेन, ठीक है। तो एक दूसरे जो मतलब चिल्ड्रेंस हैं वो कैसे प्ले कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो जो अपने गेम्स के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना है डिस्क्राइब ए सर्किस,
तो जो सर्कस है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो उसमें आप क्या बता सकते हो कि मतलब सर्कस में क्या क्या होते हैं, क्या मतलब कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से एनिमल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जॉकर्स वगैरह होते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, कैसे आपको एंटरटेनमेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ डज ए पपेट मूव, जो पपेट है वो कैसे मूव करता है, ठीक है। तो अपन ने अपने चैप्टर के लास्ट में ही अपन ने स्टडी किया था कि जो पपेट है उसको कोई हैंडल करता है, उनको कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। और उस टाइप से फिर क्या किया जाता है, और एक जना होता है उनकी वॉइस निकालने के लिए, वॉइस उनकी लैंग्वेज को रिप्रोड्यूस मतलब उनकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस टाइप से पपेट शो किया जाता है। सो आपको इस टाइप से अपना जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट अच्छे से लर्न करना है, इसकी एक्सरसाइज भी लर्न करनी है आपको, ठीक है। और जो चैप्टर है वो भी अच्छे से आपको रीड करना है, क्योंकि इसमें बीच में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो चैप्टर भी आपको अच्छे से लर्न करना है। नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड थैंक यू।